वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपके सामने प्रेजेंट है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा आठवीं विज्ञान का। वैसे तो विज्ञान के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है और वो भी मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पार्टों में अपलोड किया हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 7। आप देख सकते हैं आपके चैप्टर का नाम क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2022-23 का ही किताब है। आपकी किताब में जो चेंजिंग हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है, यहाँ पर एक एक चीज डिस्कस किया जाएगा, वो भी एकदम आसान भाषा में। देखिए, यदि आप नए हैं तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि सबसे पहले कोई भी प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं लिखित आंसर दिखाता हूँ। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर का नाम है यहाँ पर पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो आइए हम चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या होगा इनका सही आंसर, और हम यहां पर आपको चैप्टर का इंडेक्स भी समझाने वाले हैं। तो सीधे जंप करते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। देखिए, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है पाठ 7, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के संरक्षण के लिए सरकारी और हम और आप जैसे मनुष्य किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जीव जंतु के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, और देखे होगी अपने शहर के आसपास जू वगैरह, इनका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर सिंपल सा उद्देश्य ही होता है कि वन्य जीव को संरक्षण करना, जो आजकल विलुप्त के कगार में है। बहुत सारे जीव जंतु शिकार करना भाई खत्म ही होते जा रहे हैं, कोई बचाने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शिकार कर रहे हैं। अरे एक अच्छा एग्जाम्पल यार, कौवा देखे थे कौवा? लेकिन आज के दिन में कौवा देखने को नहीं मिलता। सोचो, इसका बहुत बड़ा रीजन है कौवा का खत्म होना, एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है क्यों? देखो क्या होता है, जो हमारी गाय भैंसी होती है, ठीक है, गाय भैंस जब उनको दर्द होता है, कोई कष्ट होता है, तो हम दवाइयां देते हैं। तो एक दवा आती है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन नाम की दवा होती है। उस दवा को हम अपने गाय के ऊपर इंजेक्शन के तौर पर दे दिए। जब हमारे गाय का मृत्यु हुआ, उसके मांस को कौन खाया? चील, कौवा, गिद्ध, ये सब तो खाते हैं ना। तो क्लोरोपिक्रिन इतना खतरनाक होता है इन पक्षियों के लिए कि दिनों दिन इनकी भी मृत्यु होती जा रही है। इसलिए अब गाय को क्लोरोपिक्रिन दवा देना बैन कर दिया है सरकार। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जीव जंतु ही खत्म हो रहे हैं। अब देख लो ना, खुद कौवा कहां देखने को मिलता है यार, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को भी अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का 2 उदाहरण दीजिए। देखो, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज मतलब जैसे कोई विशेष क्षेत्र पर कोई चीज फेमस हो जाता है ना, उसे बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय। ठीक, स्पीसीज मतलब वही छोटे छोटे जीव जंतु। सिंपल सा, जैसे सपोज करो मैं कोई गांव से बिलोंग करता हूं और हमारे गांव का मगरमच्छ बड़ा फेमस है। हमारे गांव में जो मगरमच्छ पाया जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाया जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मेरे गांव में कोई मगरमच्छ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मगरमच्छ तो अपन लोग हैं, इंसान, ठीक। तो हमारे गांव में जो मगरमच्छ पाया जाता है, इससे बड़ा कहीं पाया नहीं जाता। तो अब धीरे 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 मगरमच्छ जब विलुप्त के कगार होंगे तो उसे संरक्षण देंगे ना, और संरक्षण देने के लिए क्या बनाएंगे? वन्य जीव अभयारण्य या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक। तो बस सिंपल सा ही लिखना है कि 2 क्षेत्रीय स्पीसीज का नाम बताना है। तो पहले में आपको जंगली आम और दूसरे में विशाल गिलहरी, मतलब बड़ी बड़ी गिलहरियां जो छोटी छोटी होती है ना, फुदू फुदू चलती हैं, फुड़क 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 फुड़क, वो नहीं, बड़ी बड़ी एकदम लार्ज लार्ज बड़ी एकदम भैंस टाइप की गिलहरियां, तो ये विलुप्त के कगार में है, ये एक क्षेत्रीय स्पीसीज हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वनोन्मूलन से क्या सह है। देखो ये क्या शब्द लिखा है, वनोन्मूलन। जब इसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वन धन उन्मूलन। समझना ध्यान से, उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट होना। तो किसका नष्ट होना? वन धन उन्मूलन मतलब वन का नष्ट होना ही वनो उन्मूलन कहलाता है। और यही चीज आपको लिखना था, देख लो यहां पर वही लिखा है जो ऐसे कि मैंने आपको समझाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर, सूखा क्यों पड़ता है? अरे सूखा क्यों पड़ेगा? सिंपल सा यार, बच्चा बच्चा जानता है बारिश नहीं होगी, पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूखा पड़ेगा, है ना। यही तो लिखना है आपको। देखो, पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा की दर में कमी आती है, जिस कारण से सूखा पड़ता है। वेरी सिंपल। आगे देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो मैंने आपको जब सेशन को स्टार्ट किया तभी बताया था कि वन्य जीव जंतु के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और आपका वन्य जीव अभयारण्य, इनका निर्माण किया जाता है। तो आंसर में क्या लिखोगे? वही तो लिखोगे ना। देख लो, मतलब बहुत ही सिंपल है यार, आपको बस आसान भाषा में समझा दिया जाए तो डेफिनेटली बता रहा हूं आपको उतारना नहीं पड़ेगा। फिर आप खुद से इतना अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा आपका नॉलेज कि आप
खुद तो बता सकते हो लेकिन दूसरों को भी समझा सकते हो कि भाई इसका आंसर ये होगा, ऐसे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हमारा पांचवा नंबर कहता है, जो कि लघु उत्तरी है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखो। तो नाम से स्पष्ट है यार, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब जैव विविधता को संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता का मतलब होता है कि जीवों में विविधताएं, मतलब किसी विशेष क्षेत्र पर जहां पर हरियाली हो वहां पर विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हरियालियां होती हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। और इन सब चीजों से मिलकर के ही जैव विविधता का निर्माण होता है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास एक पचमढ़ी नामक स्थान है, यहां पर एक नेशनल पार्क लगता है। अगर किसी को नेशनल पार्क का नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मुझे पता है कि आप सबको पता है यार, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है। ठीक है, तो यहां पर मेगा बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट छठवां नंबर, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं आसान भाषा बता देता हूं, नाम से स्पष्ट है, रेड डाटा मतलब लाल लाल, तो लाल मतलब खतरा। तो जो जीव जंतु खतरे के कगार में है, जो विलुप्त हो रहे हैं, उनका नाम लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। और नाम लिख करके ऐसे नहीं कि नाम लिख करके हम सजा लिए, उनको बचाने का कार्य किया जाता है सरकार द्वारा, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधे के लिए, सभी के लिए अलग अलग होती है। ये नहीं कि एक किताब उठाए सबका नाम लिखने लगे, सभी के लिए अलग अलग किताबें होती हैं जिसमें संकट ग्रस्त जीव जंतु को लिखते हैं, जो संकट में हैं या फिर जो भविष्य में संकट हो सकते हैं या फिर जिनकी मात्राएं बहुत कम है उनको लिखते हैं, जिनकी मात्रा अधिक है उनको नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसे कहते हैं रेड डाटा पुस्तक। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संकटग्रस्त जीव जंतु को उभारने के लिए, उनको बचा सके, उनका संरक्षण कर सके, इसलिए रेड डाटा पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। अब आंसर आपको क्या लिखना है आपके सामने अवेलेबल है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, पढ़कर के आपको सुनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी दिख रहा है और आप लिख सकते हो बेहतर तरीके से। आगे देखते हैं नेक्स्ट सातवां नंबर क्या कह रहा है, वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट करो। तो एक आसान भाषा में बता देता हूं, जो वन्य जीव अभयारण्य होता है ना वो छोटा होता है, राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है। वन्य जीव अभयारण्य किसी विशेष क्षेत्र में विशेष जीव जंतु के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, ध्यान देना, विशेष क्षेत्र में विशेष जीव जंतु के संरक्षण के लिए। जैसे हमारे यहां मगर फेमस है, मैंने बोला था पहले, तो मगर के लिए मैंने वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में मगर बस के लिए नहीं देखेंगे, वहां पर पेड़ पौधे आएंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और जितने छोटे वाले जीव जंतु सबको पकड़ पकड़ के राष्ट्रीय उद्यान में डाल देंगे, ये है राष्ट्रीय उद्यान। आगे कहता है कि नहीं, दो राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखो। हमारे मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, दो का लिखना है। अगर आप रिवर साइड से हैं तो यहां पर संजय है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वैसे तो ये सीधी में पड़ता है लेकिन कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप मंडला से हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगर आप डिंडौरी से हैं तो वहां पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आप ग्वालियर से हैं तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, तो दो का नाम लिखना था। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना क्या है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो दो राष्ट्रीय उद्यान, मैंने माधव और पेंच का नाम लिख दिया। वैसे कान्हा किसी लिख सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला में है। ठीक है, मंडला वाले जो हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कान्हा किसी कौन कौन गया घूमने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आठवां नंबर। आठवां नंबर कहता है, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। कितना प्यारा प्रश्न पूछ लिया यार, कागज के पुनः चक्रण, इसका मतलब ये होता है जो आप एक कॉपी पेपर देख रहे हो ना, इसका रिसाइकल करना, मतलब इसको पुनः यूज करने लायक बनाना, जो लिखा गया इसको सब हटा करके साफ करके और पुनः कागज बनाना, ताकि इसमें फिर से विद्यार्थी लिख सके। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक जो कागज है जिसमें हम लिखते हैं ना, उसे 10 बार रिसाइकल कर सकते हैं, 10 बार 10 टाइम्स उसे रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण कर सकते हैं। पुनः चक्रण कैसे, इसको ले जाओ फैक्ट्री में, इसको गला दो और पुनः इससे नया कागज बना लो, इसी से बन जाएगा भाई, कोई नया पेड़ नहीं काटना पड़ेगा। और एक चीज मैं बताऊं आपको, 1 टन कागज को बनाने के लिए 17 से 20 पेड़ को काटना पड़ता है। सोचो अगर हम एक दिन में एक कागज बचाए ना, तो यकीन मानो बहुत सारे पेड़ हम लोग बचा लेंगे। इसलिए देख रहे हो ना कि आजकल हर एक चीज ऑनलाइन हो रहा है और पेपर का कम से कम यूज हो रहा है, ज्यादातर ऑनलाइन। वही पीडीएफ, जैसे मैं खुद वीडियो बनाता था वही पीडीएफ आपको दिखाता था, लेकिन ये तो बुक है तो इसमें मुझे आंसर लिख करके आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ा। बाकी पीडीएफ ज्यादा सही है क्योंकि उसमें अपने पेपर की बचत होगी,
पेपर की बचत होगी, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोचिया हैं, ये बात बोला कि सर कोचिया है, सर कोचिया है, ऐसा नहीं, कोचिया कोचिया कुछ नहीं होता, ठीक है। पेड़ों की बचत करने के लिए हम कागज की बचत करें। चलिए अब देख लेते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न जल्दी। दीर्घोत्तरी का 9वां नंबर कहता है वनों उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए या फिर समझाइए। तो देखिए इसका आंसर पूरा लिखा गया है, यदि हम वन नष्ट कर देंगे तो मृदा की उर्वरता में भी कमी आएगी क्योंकि ह्यूमस नष्ट हो जाएंगे, बस सिंपल सा इतना आंसर लिखा था, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई पेड़ काट देंगे तो वर्षा होगी क्या, वर्षा कभी नहीं होनी, पेड़ काट देंगे बारिश कौन कराता है, पेड़ ही तो कराते हैं, तो वर्षा जैसे ही पेड़ मैंने काटा जल चक्र का संतुलन बिगड़ा और वर्षा हो गई कम और फिर पड़ने लगा सूखा, तो बस वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर आंसर लिखा गया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां, 10वां नंबर कहता है छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है। अरे वाह क्या प्रश्न पूछा यार, छोटे जीव जंतु क्यों आवश्यक है भाई, जिनको हम मार देते हैं टिड्डे मेंढक सांप, जिनको हम देख रहे तो तुरंत लाठी उठाते हैं कि मार देंगे, हाँ बहुत से लोग नहीं मारते हैं, नहीं मारना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं भी खुद नहीं मारता, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जीव जंतु को मार देते हैं ना, पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान है भाई। हम लोग तो समझना एक बात को, बहुत ध्यान समझना, एक बात बताओ, जैसे हमारे घर में एक कुत्ता था, ठीक, उसकी हो गई डेथ, अब डेथ हो गई तो कुत्ते को यदि मिट्टी के अंदर गाड़ दें तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग को देखते हो जब गांव के आवारा कुत्ते मर जाते हैं तो कोई मिट्टी के अंदर नहीं दफनाता है, इसे पालता है उसकी बात अलग, भाई उसका सेवा किया है, दुख लगता है, दर्द लगता है, व्यक्ति रोता भी है और मिट्टी के अंदर दफनाता है, उसका अच्छे से संस्कार भी करता है, अंतिम संस्कार, ठीक है। तो लेकिन जो गली के कुत्ते हैं आवारा कुत्ते मर गए तो क्या उनको हम दफनाते हैं, उनका अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं, उनके लिए क्या रोते हैं, नहीं ना, तो उनको हम ऐसे ही खुले कहीं पर फेंक देते हैं, खुले जगह पर फेंक देंगे तो उनको खाने वाला कौन है, यही छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं जिनको हम मार देते हैं, एकदम पैर के नीचे रख के कुचड़ देते हैं उनको, कि इनका क्या काम है, वही नष्ट करते हैं। अब सपोज दैट यदि संसार से छोटे छोटे जीव जंतु खत्म हो जाएं तो क्या कभी वो मरा हुआ कुत्ता नष्ट होगा, पूरा बदबू फैला देगा पूरी जगह, नाक से सांस तक नहीं ले पाओगे, क्यों, उसके बदबू से, और उसके बदबू से हम जैसे इंसानों का भी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप समझ गए ना छोटे छोटे जीव जंतु कितना योगदान है। चलिए इसका आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा गया है, आगे देख लेते हैं बी नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना क्यों लाई गई। तो सिंपल सा नाम से स्पष्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर मतलब चीता, ये फिर बाघ और बाघ परियोजना, तो सिंपल सा बाघ के संरक्षण के लिए, बाघ को बचाने के लिए जिनका शिकार कर रहे थे व्यक्ति, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, और जब से प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है तब से कोई बाघ का शिकार नहीं कर सकता। ये कब आया मैं आपको जानकारी भी बता दूं, 1935 से प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट किया गया है। अगर कोई बाघ का शिकार करेगा तो बाघ का तो पता नहीं, बाघ उसको मारेगा नहीं मारेगा, लेकिन सरकार उसको जीने नहीं देगा, पेनाल्टी भरा लेगा। अरे वो एक सलमान खान का केस सुने होंगे, काले हिरण को मार दिया था भाई, सरकार उसके पीछे पड़ गई थी, सरकार तो कम पीछे पड़ी है, कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए हैं। एक नाम सुने होंगे लॉरेंस बिश्नोई, गैंग का गुंडा, 3-4 बार धमकी दे चुका कि सलमान तू माफी मांग ले नहीं तो मैं तेरे को पेल दूंगा बना के। ऐसा वो क्यों बोलता है पता है तुमको, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई मतलब जो बिश्नोई समाज के व्यक्ति हैं वो जीव जंतु को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे से, और अगर उनको कोई हानि पहुंचाता तो बदला लेते हैं, बहुत बड़ा गुंडा यार, विदेश में रहता है, विदेश से पकड़ा है। अरे सिद्धू मूसे वाला जानते हो ना, सिंगर पंजाब का, उसी ने तो मरवाया है लॉरेंस बिश्नोई ने, वही तो मारा है सिद्धू मूसे वाला को, ठीक है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक, नॉलेज के लिए मैं आपको बताया हूं, बाकी मैं आपको गुंडाई करने के लिए नहीं बोल रहा, तुम ही उतर जाओ गुंडाई पे मारने पीटने लगो, लेकिन हाँ जागरूक जरूर करो कि भाई पेड़ पौधे जीव जंतु को नुकसान मत पहुंचाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां नंबर, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजना में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है, इस पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। देखो क्या होता है, आजकल देख रहे हो यार, यदि आप जबलपुर से देख रहे हो ना कैसे कंस्ट्रक्शन काम जबलपुर में चालू है, यदि आप इंदौर से हो, इंदौर में तो हो चुका है, जबलपुर में चालू है, और यदि आप ग्वालियर से हो तो ग्वालियर में भी काम चालू है, तो यार यहां पर देखो ना किस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम चालू है, तो जब कंस्ट्रक्शन काम लगातार करते तो हम पेड़ पौधे को काट देते हैं, तो
तो क्या ये सही है पेड़ पौधे काटना या फिर गलत, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जितने पेड़ पौधे काट रहे हैं क्या उतने ही पेड़ पौधे हम लगा रहे हैं? नहीं, ये गलत है। अगर हम चार पेड़ काट रहे हैं तो भाई कम से कम तुम 10 पेड़ मत लगाओ, लेकिन चार तो लगा दो। लेकिन हमारे यहाँ के लोग नहीं लगाएंगे, चार काटेंगे और बोलेंगे भी तो चार काटा हूं, पांच और काटूंगा और 10 और काटूंगा, जो करना हो कर लेना, यहाँ ये वाला सिस्टम चलता है। इसलिए हमारा देश की स्थिति आज ये है। और अगर ऐसे ही रहा ना बेटा, तो बात मानो इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ी अपने से मर जाएगी बिना एक्सीडेंट के, बिना कुछ के। रात में सोई, जिंदगी भर सो गई। क्यों? क्योंकि जब श्वसन करेगा तो श्वसन में मिलेगा पॉल्यूशन, प्रदूषण, और उसे विभिन्न प्रकार के रोग होगा, अस्थमा, दिन भर ऐसे ऐसे करते रह जाएगा, क्योंकि हो जाएगा उसे अस्थमा, अस्थमा होता है खांसी के लिए, और श्वसन संबंधी रोग है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से नुकसान पहुंचेगा। इसका आंसर क्या लिखना है, मैं अपने शब्दों में पे लिख दिया हूं, प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लो, मैं आपको समझा दिया हूं, यही लिख करके आना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट में, मतलब एक नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कवर करेंगे पार्ट 9 जंतुओं में जन्म, और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो क्या रीजन था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, चैप्टर नंबर 9। सभी के लिए बाय बाय।